सो दोस्तों ये है आपके लिए हाजिर सी भूमि 14 क्लब का ग्रैंड एंड फेमस पूजा मंडप एंड दिस इज सी भूमि 14 का केदारनाथ। दोस्तों ये सी भूमि 14 का मेन एंट्रेंस, पर हम लोग इधर से आए थे क्योंकि इधर से एंट्रेंस अभी तो बंद है। हाउ इट्स अ ग्रैंड एंट्रेंस इट इज, यहाँ का शिव जी का एक बहुत ही भव्य शिवलिंग का यहाँ पर एक मूर्ति लगाया गया है एंड दिस इज द एग्जैक्टली द एंट्री ऑफ द सी भूमि 14। ये देखिए ग्रैंड एंट्री, ऊपर देखिए, ऊपर का सीन देखिए, ऊपर का लाइटिंग देखिए, इतना कमाल का लाइटिंग यहाँ पर किया गया है। दोस्तों ये है श्री भूमि 14 क्लब कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द बिगेस्ट पूजा स्कीम पूजा का यहाँ पर मंडप है। और इस जहाँ पे इस मंडप को एक्सप्लोर करने के लिए मैं जा रहा हूँ शिवजीत के साथ, मेरा दोस्त शिवजीत और शिवजीत का सिस्टर बहन है, ये दोनों मुझको लेके जा रहा है एक्सप्लोर करने के लिए। तो शिवजीत इसका खासियत क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट पूजा इन बंगाल श्री भूमि। हाँ श्री भूमि का जो लाइटिंग है, पूजा पैंडल है, 25 किलो का सोना मार्क पहने हुए है, 25 किलो का सोना, 25 तोला 25 तोला सोना पहने हुए है 25 केजी। ओके, उसके साथ साथ ये जो शिव भूमि का मतलब इसका कोई नया पहचान का कुछ नहीं है। दुनिया के मतलब कलकत्ता छोड़िए इंडिया का हर कोई जानता है कि शिव भूमि वन ऑफ द बेस्ट पूजा कोलकाता का। लाइटिंग कहाँ से आता है? बहुत ही जबरदस्त लाइटिंग करते हैं हर साल, लाइटिंग कहाँ से आता है? ये चंदन नगर से ही होता है और इसका इससे वेरी बिग बजट पूजा, यू नो पूजा कितने करोड़ रुपया खर्च होता है ये पूजा में। ओके, दिस इज द एंट्री, श्री भूमि क्लब का ये एंट्री है। बट इस साल यकीन मानिए दोस्तों, जो टूरिस्ट जो लोग यहाँ पर आते दर्शनार्थी आते इतना कम है, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। ये सब रास्ते में आपको यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कई घंटे यूजुअली लग जाते हैं, ऐसे आज हम लोग जा रहे हैं। पार आवर 2.5 लाख लोग पार आवर सुबह से शाम पूरा कंटिन्यू रहता है। ओके, हर घंटे 2.5 लाख लोग एंट्री और एग्जिट होता है, जैसे सोचिए कितना बड़ा। सुबह 4 बजे हो, रात को 3 बजे हो, शाम का 4 बजे हो, कभी भी। ओके, तो लाइटिंग देखिए, लाइटिंग का थोड़ा सा ओके मजा लुक लीजिए। दिस इज लाइटिंग एंट्री गेट्स, ऑल दीज आर लाइटिंग, देखिए थोड़ा सा ये जस्ट लाइक बाइक कार जाने के लिए रास्ता है, पर यूजुअल टाइम में तो ये तो बंद रहता है बाइक के लिए कार के लिए। पिछले साल भी पूजा में ये पूरा 50 फीट रोड जो है 2 किलोमीटर वहाँ पे उल्टरांगा, बैक साइड में बांगूर 1 किलोमीटर, सब कुछ 3 किलोमीटर रोड पूरा लोग भरती रहता था। मतलब इस साल पूरा कोरोना ने सब कुछ खा लिया। आपको यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं और कई पूजा पंडल में इतना भी लोग नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली कहा ये सच्ची है, मैं एक बार आया था पहले 2-3 साल पहले और उस टाइम में भी लोग देखा था पूरे सब रास्ते में खचा खच, लाखों लोग एट ए टाइम लोग आते हैं लोगों यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए, क्यों ना इतना खास इतना स्पेशल पूजा है। तो लुक एट द लाइटिंग, लाइटिंग का सीन देखिए। प्यारा सा एक लाइटिंग है, एक जस्ट लाइक जोकर का, एक क्लाउन का यहाँ पर एक पूरा लाइटिंग का सीन यहाँ पर आप देख सकते हो एंड इट्स लुक्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और यहाँ के पीछे से ऑपरेशन चल रहा है शायद पूरा लाइटिंग का जो सिस्टम, ये भाई लोग यहाँ से ऑपरेशन कर रहे हैं। देखो लाइटिंग के पीछे से, सामने से तो देखा है, पीछे से कितना सेटअप मेटअप लगाने के बाद ये लाइटिंग इट्स सब परफेक्टली मूव ऑन कर रहा है। सो इट्स समथिंग यू नो डिफरेंट। अब जब श्री भूमि 14 में आओगे आपको सब कुछ बहुत अलग मिलेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया मिलेगा, इट्स समथिंग अमेजिंग, जस्ट लुक एट द सीन। तो चलिए श्री भूमि और भी दूर है, यहाँ से थोड़ा सा और पैदल जाना पड़ेगा, थोड़ा सा फोटो शूट यहाँ पर मैं कर चुका हूँ, फिर से मास्क पहन लेता हूँ और मूव करता हूँ श्री भूमि का मंडप के जितना पास हो सके जाने का कोशिश मैं करने वाला हूँ आज। दोस्तों ये श्री भूमि 14 का मेन एंट्रेंस, पर हम लोग इधर से आए थे क्योंकि इधर से एंट्रेंस अभी तो बंद है। हाउ इट्स अ ग्रैंड एंट्रेंस इट इज, यहाँ का शिव जी का एक बहुत ही भव्य शिवलिंग का यहाँ पर एक मूर्ति लगाया गया है एंड दिस इज द एग्जैक्टली द एंट्री ऑफ द श्री भूमि 14।
चार मिनट पैदल चलने के बाद एट लास्ट गेटिंग एंट्री ऑफ श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब। अंदर आते ही आपका जो सीन नज़र में आएगा, सो लुक एट द ब्यूटीफुल सीन, लुक एट द ब्यूटीफुल सीन। यहाँ पर स्वामी जी रथ के ऊपर, चैरियट के ऊपर बैठे हुए हैं, चार घोड़े रथ को खींच रहे हैं। ये ओरिजिनल, ये पंडाल के नहीं है। अब जब भी आओगे तभी इस ब्यूटीफुल स्टैचू को आप देखने को मिलेगा। ये एग्जैक्टली यू नो जस्ट लाइक ए सेल्फी जोन है। ओके, और यहाँ पर एक जायंट LED स्क्रीन लगा गया है, LED में अंदर का सीन दिखाई जा रहा है। ये देखिए ग्रैंड एंट्री, ऊपर देखिए, ऊपर का सीन देखिए, ऊपर का लाइटिंग देखिए, इतना कमाल का लाइटिंग यहाँ पर किया गया है। पर अनफॉर्चुनेटली लोग बहुत ही कम आ रहे हैं। फर्स्ट रीज़न, ट्रेन नहीं चल रहा है। ट्रेन जो मेन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, लोग ट्रेन से आते हैं विधान नगर स्टेशन से लोग लोकल ट्रांसपोर्ट ऑटो बस से इधर डायरेक्टली आ जाते हैं। तो अभी तक लोकल ट्रेन नहीं चल रहा, इसीलिए बहुत ही लोग कम आ रहे हैं। एक्चुअली मेन रीज़न ट्रेन नहीं चल रही, इसलिए लोग आ नहीं पा रहे, राइट? एंट्री बंद है। बस देखिए, लुक एट द सीन भाई, कितना खूबसूरत है। यहाँ तक जो मैंने हमने आया 4-5 मिनट वॉक करके, अगेन मानो नॉर्मल टाइम में अगर आयोगे ना, अगर नॉर्मल टाइम में जब पूरे दुर्गा पूजा एक अलग से लेवल पे होता है, इसका डिस्टेंस चेस करने का आपको 3-4 घंटे लग जाएगा। सुनने में अजीब लग रहा है, बट इट इज एग्जैक्टली फैक्ट। लुक एट द ब्यूटीफुल द ग्रेट स्वभूमि। और स्वभूमि का इस मतलब पूजा का ऑर्गेनाइजर ये है, राइट? ये सामने का सीन देखिए, सभी घरों को कितना प्यारा से लाइट देके सजाया गया है। ह्यूज प्रिपरेशन। थोड़ा सा लकी भी है, इतना कम चल के एंट्री मिल रहा है, बट हर दिन तो पॉसिबल नहीं होता ये सब आने का। ओके, चलिए देखिएगा, ये थीम है इस बार केदारनाथ का थीम। सो दोस्तों, ये है आपके लिए हाजिर श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब का ग्रैंड एंड फेमस पूजा मंडप, एंड दिस इज श्रीभूमि स्पोर्टिंग का केदारनाथ। लुक एट द सीन। भाई यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त टाइट सिक्योरिटी है, सामने देख सकते हो आप, ये दिस इज़ द लाइन, यहाँ से अंदर आप नहीं जा सकते हो। सामने पूरा बैरिकेड देकर सभी ये रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है फ्रॉम द वेस्ट बंगाल ट्रैफिक पुलिस। एंड अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, अब कैमरा लगा हुआ है, यहाँ से LED स्क्रीन में सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। अंदर जाने का परमिशन है सिर्फ ओनली द जो मंडप पूजा ऑर्गेनाइजर है, ओनली दे कैन गेट एंट्री ओवर देयर। लोग देख सकते हो इस सिचुएशन में भी कितने लोग यहाँ पर आए हैं टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल पूजा मंडल। अनाउंसमेंट चल रहा है, मास्क पहन लो, पूरा ऐसे लोग नीचे ढक रहे, ऐसे नहीं, ऐसे पूरा मास्क यहाँ तक आपको रखना होगा, वरना आपको यहाँ पर डांट पड़ेगा। अनाउंसमेंट चल रहा है, सिक्योरिटी के लोग भी यहाँ पे बार बार अनाउंस कर रहे हैं, बट इट्स ओके, फाइन, एक प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। सो यहाँ पर वो ट्रिक्स नहीं चला, दूसरा पूजा मंडप में बोलकर मैं अंदर जाने का कोशिश कर रहा था। यहाँ पर एयर कूलर भी लगा हुआ है फॉर कूलिंग, फीलिंग गुड। एक ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर पसीना पसीना हो चुके हूँ, तो यहाँ पर खड़े होकर थोड़ा सा आप हवा भी खा सकते हो, पर ठीक है भाई, देखते हैं आगे का सीन क्या है। सो दोस्तों, ऑलरेडी श्रीभूमि स्पोर्टिंग को एक्सप्लोर करके मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। यहाँ का दो चीज़ बहुत फेमस है श्रीभूमि स्पोर्टिंग का, तीन चीज़ सॉरी, एक तो यहाँ का थीम, हर साल यहाँ का जो थीम होता है एक नेक्स्ट लेवल थीम यहाँ पर हर साल होता है विद द असिस्टेंस ऑफ सुजीत बोस। एंड सेकेंडली यहाँ का जो सोना, हर साल हीरे सोना मोती मीन्स डायमंड्स स्पॉन्सर्ड मिलता है करोड़ों का, 25 किलो का सोना, राइट सुजीत?
25 किलो का सोना इस बार माता जी को जस्ट एज अ ऑर्नामेंट पहनाया गया है। और थर्ड सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यहाँ को देखने का है, इसका जो झाड़ है जो ऊपर में लगा रहता है झाड़, दैट इज़ समथिंग अमेजिंग। बट अंदर जाना अलाउ नहीं है। ठीक है चलो यार, अगर मुझको देगा तो बहुत बाकी जन को देना पड़ेगा, मेरे जैसे बहुत ऐसे ब्लॉगर हैं। बट वहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल, दमदम पार्क में इतना स्ट्रिक्ट रूल फॉलोअप नहीं हो रहा था, बट दैट्स ओके फाइन। बट एक चीज़ देखकर बहुत बुरा लग रहा है सुरजीत, यहाँ पर देखो जितने स्टॉल्स हैं कितना खाली खाली लोग हैं भाई, कितना खाली खाली लोग हैं, कुछ किया नहीं जा सकता, हाईकोर्ट का ऑर्डर है। देखो कितना ये सब लोग, मैं पूछ रहा था, बात कर रहा था, एक एक दिन में 15,000, 20,000, 25,000 का सेल होता है, तो अभी एक एक दिन में सिर्फ 300, 400, 450 का सेल हो रहा है सिर्फ। तो सोचो इन लोगों का पूरा इन्वेस्टमेंट भी चला गया। बिल्कुल भाई, लेकिन जो स्टॉल भरा लगता है, रेंट लगता है, वो तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है इस पर, राइट। ओके, सो जो ऑर्गेनाइजर है कितना लाख रुपया लग जाता है एग्जैक्टली, एक एक स्टॉल का जो है रेंट है कई लाख रुपए क्लब को देना पड़ता है, पर इस साल उस थोड़ा सा छोड़ दिया गया, बिकॉज ये लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, पूजा के टाइम के लिए इंतजार करते हैं, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। ये देखो सोने का जो चढ़ावा दिया गया है उसका वीडियोग्राफी करके यहाँ पर दिया गया है, गणेश जी को सोने का मुकुट पहना जा रहा है, जिस इधर रियल पिक्चर है, रियल पिक्चर है, जो तैयारी के टाइम में ये वीडियोग्राफी किया गया था, अभी इसको डिस्प्ले कर रहा है जाइंट्स के लिए, क्योंकि लोग अंदर नहीं जा पा रहे, इसीलिए बाहर से ही लोग को दिखाकर जैसा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये था छोटा सा ब्लॉग शिवभूमि स्पोर्टिंग का, अंदर लेकर नहीं जा पाया, बट जितना हो सके करीब आपको लेके गया, इन्फॉर्मेशन शेयर किया, कैसे आ सकते हो, कैसे यहाँ पर आ सकते हो आप शिवभूमि स्पोर्टिंग को, अगर आप देखना चाहते हो, अगर आना चाहते हो पूजा के टाइम में, कैसे आ सकते हो यहाँ पर अभी प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन में लेक टाउन वीआईपी के मुंह से लेक टाउन आ जाओ, किसी से बस पकड़ लो, क्लॉक टावर से सीधा आपको जाना पड़ेगा, आप वॉकिंग डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस आप उल्टाना से भी आ सकते हो, उसके बाद दक्षिण गाड़ी बस स्टॉप उल्टाना मिली, उल्टाना विधाननगर स्टेशन तक आ जाओ, वहाँ से लेक टाउन तक आ जाओ, लोकल कोई ट्रांसपोर्ट पकड़ लो, बस पकड़ लो, ऑटो पकड़ लो, आकर लेक टाउन से वॉकिंग डिस्टेंस 4-5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, दैट्स इट। गाड़ी खुद के पास अगर कैब है तो कोई इशू नहीं, ऑटो गाड़ी सब कुछ रात भर मिलेगा सब मिलेगा। तो दोस्तों ये था शिवभूमि स्पोर्टिंग का छोटा सा ब्लॉग, कैसे ब्लॉग को खत्म करते हो, सिर्फ एंजॉय, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो।